इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने भारतीय कप्तान विराट कोहली के पिछले 3 साल से चले आ रहे दबदबे को खत्म करके बुधवार को वर्ष 2019 के लिए विजडन का विश्व का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का सम्मान हासिल किया। विजडन क्रिकेटर ऑलमोनैक ने 2020 के अपने संस्करण में 2019 के प्रदर्शन के लिए स्टोक्स को यह सम्मान दिया, जो इससे पहले लगातार 3 वर्षों तक कोहली को मिल रहा था। भारत के स्टार बल्लेबाज को 2016, 2017 और 2018 में लगातार 3 बार विजडन ने साल का अपना अग्रणी क्रिकेटर चुना था, जो एक रिकॉर्ड है। इसके बाद हालांकि विजडन की सम्मान सूची में कोई भी भारतीय पुरुष या महिला खिलाड़ी जगह नहीं बना पाया, स्टोक्स ने पहली बार यह सम्मान हासिल किया है। यह पुरस्कार 2003 से शुरू किया गया था। इसके बाद स्टोक इसे हासिल करने वाले इंग्लैंड के केवल दूसरे क्रिकेटर हैं। उनसे पहले एंड्रयू फ्लिंटॉफ को 2005 में यह सम्मान मिला था। विजडन ने इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एलिस पैरी को विश्व की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना है। पैरी उन 5 खिलाड़ियों में भी शामिल हैं जिन्होंने विजडन का वर्ष का क्रिकेटर चुना गया। पैरी इस सूची में शामिल 3 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों में से एक है। ऑस्ट्रेलियाई पुरुष टीम के तेज गेंदबाज पैट कमिंस और बल्लेबाज मार्कस लाबुशाने तथा इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर और साउथ अफ्रीका के सिमोन हार्मर को इस सूची में जगह मिली है। वेस्टइंडीज के आंद्रे रसल को T20 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। स्टोक्स ने इंग्लैंड को पिछले साल पहला विश्व कप दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी और इसके अलावा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज टेस्ट में बेहतरीन पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई थी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स के लिए प्रतीक मिश्रा की रिपोर्ट।